हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्ज़ाम ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति कुशवाहा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं जी फोर कंट्रीज़ को याद करने की एक इंटरेस्टिंग ट्रिक के बारे में। इसके पहले मैं आप लोगों को जी 20 कंट्रीज़ और जी 7 कंट्रीज़ के बारे में बता चुकी हूँ। तो जी 7 कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्री आती हैं और उनको याद करने की मैंने क्या ट्रिक आप लोगों को बताई थी, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। इससे आप लोगों का भी रिविज़न हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जी फोर कंट्रीज के बारे में बताने वाली हूँ। जी फोर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फोर कंट्रीज। इसके पहले मैंने जी 20 का करवाया था यानी कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। उसके बाद फिर मैंने जी 7 कंट्रीज़ का करवाया था यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ ने मिलकर ग्रुप्स बना रखे हैं, तो इन्हें ही जी 4, जी 7 या फिर जी 20 का नाम दे दिया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जी 4 कंट्रीज़ के बारे में ट्रिक बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग ट्रिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो जो ट्रिक है वो है बिग जापान। तो इस ट्रिक के ज़रिए हम लोग जो हैं वो फोर कंट्रीज़ को याद रखेंगे, जिसमें जापान से तो आप लोग जापान का नाम याद रख ही सकते हैं, बाकी बिग से कौन कौन सी कंट्रीज़ बनती हैं तो उनको हम लोग देख सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, इसमें आप लोग बिग से ब्राज़ील, इंडिया एंड जर्मनी का नाम याद रख सकते हैं, एंड में जापान से आप लोग जापान का नाम याद रख ही सकते हैं। तो ये जो छोटी सी ट्रिक है वो जी फोर कंट्रीज़ के बारे में है, यानी कि इसमें हमें फोर कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। तो ब्राज़ील, ये आप लोग ब्राज़ील देख सकते हैं। उसके बाद इंडिया, तो ये हमारी कंट्री आप लोग देख सकते हैं। जी से हमें जर्मनी देखने को मिलता है, तो आप जर्मनी का नाम भी याद रख सकते हैं, एंड एंड में जापान से आप लोग जापान का नाम याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो हैं वो इसे मैप पर भी देख सकते हैं। इसमें हमें अलग अलग कंटिनेंट से कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे हमें साउथ अमेरिका से ब्राज़ील देखने को मिल रहा है, यूरोप से हमें जर्मनी देखने को मिलता है, और एशिया से इसमें हमें दो कंट्री देखने को मिलती हैं, एक तो हमारी कंट्री और दूसरा जापान। तो ये जो चार कंट्रीज़ आप लोग अलग अलग जगह पर देख रहे हैं, इन कंट्रीज़ ने मिलकर ही अपना एक ग्रुप बनाया जिसे जी फोर कंट्रीज़ कहा जाता है। और इन ग्रुप का मतलब होता है कि ये जो कंट्री हैं वो कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो व्यापार है, ट्रेड है, इसी तरीके से और भी कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो ये मिलकर करते हैं, तो इसीलिए ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो आप लोग इस ग्रुप के बारे में ज़रूर याद रखिएगा। इसकी ट्रिक मैंने आप लोगों को बता ही दी बिग जापान, तो इसके ज़रिए आप लोग याद रख सकते हैं ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी एंड जापान। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी इंटरेस्टिंग ट्रिक। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग हमारे और भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ आप लोगों को एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस, एमपीपीएससी प्री और मेंस के स्टडी मटेरियल, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, सीसेट और एनसीईआरटी का सिलेबस, इसके अलावा एमपीएसआई और पटवारी का भी पूरा सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलूँगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।